हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है और काफ़ी टाइम से इसका जो है रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के कारण मैं इस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हिप फैट, बिकॉज हर जगह का फैट चला जाता है लेकिन हिप का फैट जाने में कहीं ना कहीं आप सबको प्रॉब्लम होती है, या फिर आप लोअर एक्सरसाइज वीक में 3 बार करो तब वो फैट जाता है। लेकिन आज जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, ये चीज़ आपको अगर आप नॉर्मल इन द सेंस कि जंक फूड अवॉइड करोगे और सिर्फ घर का खाना खाओगे और उसके साथ ये चीज़ आप फॉलो करोगे, तो यकीन मानिए 1 से 1.5 महीने में आपका हिप फैट पूरी तरह से चला जाएगा। और ये क्या करेगा, ये वहाँ के जितना भी फैट है पहले तो उसको ब्रेक करेगा, इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 1.5 महीना वहाँ के फैट को थोड़ा सा ब्रेक करेगा। ब्रेक डाउन करने के बाद देन वो आपकी बॉडी से बाहर निकालेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यही होता है कि फैट को तोड़ना होता है, क्योंकि जो जिस भी स्थिति में वो जमा होता है हमारी बॉडी में इतना टाइटली चिपका होता है कि उसे हमें तोड़ना ही पड़ता है, बिना तोड़े वो फैट बॉडी से नहीं निकलेगा। तो ये जो मैं आज आपको चीज़ बताऊंगी, ये स्पेशली पहले उसको तोड़ेगा, 5 to 6 डे में वो पूरा तोड़ देगा, देन उसके बाद धीरे धीरे वो हिप फैट आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि बहुत ही भद्दा लगता है जब हम जीन्स पहनते हैं, ट्राउज़र पहनते हैं, इवन ये ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं लेडीज ही बता रही हूँ, जेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं। और अगर आपका लोअर पोर्शन काफ़ी बढ़ जाता है तो आपके घुटनों में दर्द रहता है, होल बॉडी आपको काफ़ी पेनफुल रहती है और मैं बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। आई थिंक उतना तो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती जितना आप लोग उसे झेलते हो। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आज और जानकारी देना चाहती हूँ, जो कि आप जानते हैं कि मैं एक मुहिम चला रही हूँ #womenhygiene। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताया था, क्या मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताया था, तो मुझसे बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ने पूछा कि सुगम इसे लगाते कैसे। वैसे इसका फुल एक वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये मैं एक मुहिम चला रही हूँ #womenhygiene की, जिसके बारे में मैं डे टू डे आपको हाइजीन की चीज़ों से रिलेट करूंगी, ताकि आप अपने पीरियड्स दिनों को काफ़ी अच्छे से कर सकें। इवन जिनकी बेटियां हैं और जिन्होंने न्यू अभी पीरियड के डे स्टार्ट करना शुरू किए हैं, उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो इसे आज मैं एक छोटी सी क्लिप में बिल्कुल दिखाऊंगी कि, और बहुत ही क्विकली दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो में आगे जाने से पहले, कि किस तरह से आपको उसे यूज़ करना है। और अगर ये प्रोडक्ट आप वाकई में ख़रीदना चाहते हैं, मैं इस प्रोडक्ट की बात इसलिए भी करती हूँ बिकॉज मैं पर्सनल भी यूज़ करती हूँ और मेरे जानने वाले भी पर्सनली इसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, जिससे कि मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको बता सकती हूँ कि इसको किसी भी तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह को कोई इन्फेक्शन नहीं है इसीलिए। वरना प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत से हैं, मैं बहुत सारी चीज़ों को आपको बता सकती हूँ कि आप वो खरीद सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं हमेशा से बोलती हूँ मेरे चैनल पर जो पर्सनली चीज़ मैं यूज़ करती हूँ या मेरे जानने वालों को मैंने बोला होता है यूज़ करने के लिए और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चलिए एक क्विकली आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे यूज करना है। और जिनकी अभी बेटियां हैं, इन पीरियड स्टार्ट होना शुरू हुआ है, उन्हें भी ये वीडियो मेरा जो है सेंड करिएगा, तो एवरटीन का आप मेंस्ट्रुअल कप फ्री होके खरीद सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हमें अपना हिप फैट कैसे कम करना है, तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको चाहिए हल्का सा गर्म पानी, बहुत गर्म नहीं चाहिए, और चाहिए आपको किसी भी कंपनी का एप्पल साइडर विनेगर विद मदर वाला लीजिएगा, और उसे पहले शेक करना है ताकि जो भी नीचे एक्सट्रैक्ट है वो निकल आए। और साथ ही साथ आपको लेना है 4 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर। और इसके बाद आपको लेना है 2 टेबल स्पून अदरक का जूस।
ये दोनों चीज़ें मिला के आपको खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद आपको लेना है और रात के खाने के बाद लेना है। खाली पेट एप्पल साइडर विनेगर अवॉइड करिए, वरना आपके पेट में जलन हो सकती है, गले में जलन हो सकती है और आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा पूरे दिन आपको पेट में जलन रहेगी और आप कुछ खा नहीं पाओगे। तो हमेशा दोपहर के खाने के बाद और डिनर में खाने के बाद आपको लेना है। जो लोग ऑफिस गोइंग हैं वो ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में हमारा जो मेटाबॉलिक रेट होता है काफ़ी हाई होता है, वो ऑटोमेटिक आपके खाने को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और फैट नहीं चढ़ेगा। सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट जो हमारा स्लो होता है वो रात में होता है या फिर दोपहर में होता है, 2 बजे के बाद। तो इसलिए बोला जाता है लंच हमेशा 12 बजे तक कर लीजिए। जो लोग नहीं कर सकते हैं वो इस तरह से अपने मेटाबॉलिक रेट को हाई करेंगे, अपने खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी में फैट बिल्कुल नहीं चढ़ने देंगे। इवन ये आपके फैट को जो है ब्रेक डाउन करके उसे बॉडी से बाहर निकालेगी। तो इसका जो फंडा है वो लेने का इसीलिए मैंने दोपहर और रात को बोला है हमेशा। तो इस तरह से आप लीजिए और देखिए किस तरह से आप बहुत ही जल्दी अपना हिप फैट चुटकियों में दूर करते हैं। इस ड्रिंक को बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही क्विक है, ना ही आपको कोई झंझट करना है ना ही कुछ करना है, और ये धीरे धीरे आपके फैट को, हिप फैट को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिद्दी फैट हिप फैट का ही होता है, तो उसको ब्रेक डाउन कर करके आपकी बॉडी से निकाल देगा। वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।